الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرَ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنتم شهداء الله في الأرض أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک درود ابراہیمی میرے ساتھ پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة وسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حمد و صلوات کے بعد اسٹیج پر موجود جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام مشائخ عظام برادران اسلام کارکنان تحریک حی علی الفلاح انجمن غلامان مصطفیٰ اور دیگر علاقہ بھر کے جملہ ہمارے مہمان برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آج ہم تحریک حیا علی الفلاح کی سالانہ کانفرنس ختم نبوت میں حاضر ہیں میں ایک اپنا پیغام آپ تک کنوے کرنا چاہتا ہوں پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری تحریک کا سالانہ اجتماع ہے دوستان ذی وقار اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اور مجھے اپنے آخری نبی اور نبیوں کے سلطان سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا سب بولیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں
उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मकामात पर खिताब किया और बताया कि तुम्हारा मकाम क्या है। दोस्ताने ज़ीवकार, आप जानते होंगे कि आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मदीना पाक जाने के बाद भी 16 या 17 माह तक बैतुल मुकद्दस शरीफ की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे। लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा किबला वो अल्लाह का घर बने जो मक्का में है, जिसकी तामीर मेरे जद्दे आला सरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। अल्लाह ने सरकार की ख्वाहिश पूरी की, फरमाया हबीब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ऐ हबीब हम उसी को किबला बना देंगे जिस पर मेरा महबूब राजी है। अल्लाह ने किबला वो बनाया जो हुजूर चाहते थे। ऐन हालत नमाज में तहवील किबला का हुक्म आया और सरकार बैतुल मुकद्दस से फिर कर आपने अपना चेहरा अनवर मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। बैतुल मुकद्दस यहूदियों का किबला था और सदियों रहा, उन्हें ये बात शाक गुजरी कि आज तक ये बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते रहे, आज ये इन्होंने किबला बदल दिया। उन्होंने बहुत तूफान बदतमीजी बरपा किया, इतराज किए। अल्लाह ताला ने जवाब दिया वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरब की कोई बात नहीं, सिम्मतें सारी अल्लाह की। बहरहाल उस बात पर मैं ज्यादा गुफ्तगु नहीं करता, सिर्फ कज़ा लेकर अल्लाह ताला ने फरमाया पीछे से तहवीले किबला किबला बदलने का हुक्म है। फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, बैतुल मुकद्दस भी किबला है, वो भी अल्लाह का घर है, काबिल एहतराम है। लेकिन पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम का किबला मक्का वाला था, इब्राहिम खलीलुल्लाह का किबला मक्का वाला था। बैतुल मुकद्दस तो 1300 साल बाद बना, फिर अल्लाह ने आपको आला किबला की तरफ मुंतकिल कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया जिस तरह हमने तुम्हें किबला मरकजी अता फरमाया और आला किबला अता फरमाया मक्का वाला, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ऐसे ही हमने तुम्हें उम्मत भी आला और उम्दा बनाया है। दोस्ताने ज़ीवकार, किबला मक्का शरीफ में है और ये बात साबित शुदा है कि मक्का दुनिया के मरकज में है। ये जाहिरी भी दलील है कि कायनात का मरकज ये है। तो जैसे मक्का मरकज है, ऐसे तुम भी अब उम्मतों में मरकज हो। उलमाए किराम ने बड़ी प्यारी बात की, फरमाया गोया ऐलान था कि लोगों उम्मत मुस्तफा आंखें खोलो, दिल से बेदार होकर सुनो, हमने अकवाम आलम की क़यादत बनी इसराइल से लेकर अब उम्मत मुस्तफा को अता फरमा दी है। अब अकवाम आलम की सदर कौन, आला कौन, मुसलमान हैं। आप जानते हैं वस्त किसी चीज की आला हिस्सा को कहते हैं। इंसानी जिंदगी के तीन हिस्से हैं, बचपन बुढ़ापा और जवानी। बताएं इंसानी जिंदगी में पूरा कमाल कब होता है, जब शबाब होता है। जवानी जिंदगी में दरमियाना हिस्सा है, आला है। सुबह के वक्त सूरज चढ़ता है, रोशनी कम होती है, मगरब के वक्त भी रोशनी कम होती है, लेकिन निसफ नहार पर सूरज की रोशनी ज्यादा होती है। तो हर चीज का दरमियानी हिस्सा अच्छा होता है, अच्छा भी होता है, आला भी होता है, उम्दा भी होता है। इसी तरह फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन
मतम वसतम। और इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। सीन पर जब जबर हो वसत, इसका माना आला अफजल, और एक इसका माना जो बुखारी शरीफ में किया गया हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वह ये है अल वसतो अल अदलो। वसत का माना अदल। तो गोया फरमाया हमने तुम्हें उम्मत मोतदिल बनाया, हमने तुम्हें इफरात व तफरीत से बचाया। इस उम्मत को ये शर्फ हासिल है अक्वाम आलम में अगर उम्मत वस्त है तो वो सिर्फ मुसलमान है। कैसे? अगर तौहीद का अकीदा लें, बड़ी मैं शॉर्ट बात ये करूंगा, अकीदा तौहीद में दुनिया ने टामक टोइयां खाई। यहूदी ज्यादा खुदाओं के कायल थे, ईसाई तीन खुदाओं के कायल, यहूदी भी ज्यादा खुदाओं के कायल, और आप जानते हैं मक्का वाले तो और ज्यादा खुदाओं के कायल। लेकिन एक कौम है जो दारिये है, वो कहते हैं खुदा है ही नहीं, इलाह है ही नहीं, गोया इफरात और तफरीत है। दार ये कहने लगे अल्लाह नहीं है, यहूदी ईसाई हिंदू कहने लगे माबूद ज्यादा हैं, इस्लाम दीने वस्त है जिसने बताया निजामे कायनात अल्लाह के बगैर नहीं चलता, है भी और है भी। बोलिए ये उम्मत वस्त है अकायद में, नबुव्वत में, हिंदुओं में नबुव्वत वो सिरे से नहीं मानते, वो कहते नबुव्वत की जरूरत ही नहीं है, और मिर्जाई नबुव्वत के इजरा के कायल हैं। इसके दरमियान में मुसलमान हैं कि नबुव्वत के बगैर बंदे का रिश्ता अल्लाह से कायम नहीं हो सकता। लिहाजा अकीदाए वस्त हमें मिला, अल्लाह ने हमें अकीदाए वस्त दिया कि नबुव्वत के बगैर माबूद से राबता नहीं। लेकिन नबुव्वत चलती रही, लेकिन आमना के लाल ने आकर नबुव्वत को मुकम्मल फरमा दिया। और आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मिर्जाई तफरीद की तरफ चले गए, हिंदू इफरात की तरफ चले गए, इस्लाम दरमियान में है, इफरात और तफरीद से पाक है। अक्वाम आलम में अगर उम्मत वस्त है तो वो मुसलमान है। इसी तरह इस्लाम के फिरकों में अगर मुतवस्सत हैं तो अहले सुन्नत और जमात हैं। क्यों? राफजी सहाबा का इनकार करने लगे, नासबी आहले बैत का इनकार करने लगे, आहले सुन्नत है जो कहते हैं सहाबा भी हमारी आंखों का तारा है, आहले बैत भी दिल का सहारा है। वकजालिका जालना तुम उम्मतम वसता, हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। हमेशा इफरात और तफरीत से बचते रहो, हमेशा गुलूम से बचते रहो। तो ये इस उम्मत को अल्लाह ने उम्मत वस्त बनाया, और उम्मत वस्त का जहां ये माना है कि ये मोतदिल उम्मत है, इसके अंदर इतिदाल है, न इफरात है न तफरीत है, न कमी है न ज्यादती है। इसी तरह इसकी इबादात में मामलात में वक्त थोड़ा है हमारे अंदर, इस्लाम के अंदर न तो रहबानियत है कि बिल्कुल दुनिया छोड़कर राहिब बन जाओ, और न ये इजाजत है कि दुनियादार बनकर खुदा को भूल जाओ। इस्लाम दरमियाना रास्ता बताता है कि हमारा ताल्लुक खुदा से भी होगा और दुनिया भी हम आबाद करेंगे। इस्लाम के जुमला मामलात, ये मेरा मौजू नहीं, मैं जो बात रखी है दोस्तों, अल्लाह ने हमें उम्मत वस्त बनाया, आला बनाया, अफजल बनाया, फरमाया जैसे हमने तुम्हें नबी अफजल अता किया, जैसे किताब अफजल अता की, जैसे काबा अफजल अता किया, इसी तरह हमने तुम्हें उम्मत भी अफजल बनाया, और इसी तरह तुम उम्मत आदल हो, तुम मोतदिल उम्मत हो। ये सारे इज्जत और शर्फ अल्लाह ताला ने इस उम्मत को क्यों अता किए?
ये ड्यूटी दी। उलमा ने फरमाया अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अब ये जिम्मेदारी दी है कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा और मुक्तदा और मेयार और नमूने का किरदार जो अदा करेगी अक्वामे आलम के लिए वो उम्मत मुस्तफा अदा करेगी। इसलिए बरादरान इस्लाम आज की मेरी गुफ्तगू सिर्फ यही है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए हम क्या हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार की उम्मत हैं, हम उम्मत वसत हैं। दूसरी जगह पर बाज ने वसत का तर्जमा खैर से किया, अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं खैर में न लेना ज्यादा बेहतर है क्योंकि कुरान ने ताईद की कुन तुम खैरा उम्मा। लिहाजा हम सब उम्मतों से बेहतर भी हैं, अफजल भी हैं, मोतदिल भी हैं। अल्लाह ने हमें ये जिम्मेदारी बख्शी कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की उम्मत हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। और अब दुनिया की क़यादत और रहनुमाई अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई, लिहाजा इस उम्मत को ये किरदार अदा करना चाहिए। इसका एक अल्लाह ताला ने फरमाया हमने तुम्हें उम्मत वस्त क्यों बनाया, सुनिए फरमाया वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत खैर बनाया, उम्मत अफजल बनाया, उम्मत मोतदिल बनाया। अपना मकाम समझो, अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी इज्जत दी। फरमाया तुम यहाँ भी मेरे गवाह हो, वहाँ भी मेरे गवाह हो। ये उम्मत इस दुनिया में भी गवाह है इंसानियत के सामने और आखरत में भी गवाह बनेगी। ये उम्मत मिन हैसुल उम्मत, ये गवाह है जो इनके मुंह से बात निकल जाए वही अल्लाह को पसंद होती है, वही अल्लाह की रजा होती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं जनाजा गुजरा तो लोगों ने फअसनौ अलैहा खैरा, लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ा अच्छा इंसान था। सरकार ने फरमाया वजब। फिर एक जनाजा गुजरा असनौ अलैहा शर्रा, लोगों ने उसकी मजम्मत बयान की, ये बड़ा बुरा बंदा था, लोगों के दिल दुखाता था। सरकार ने फरमाया वजब। हजरत उमर सरापा सवाल, या रसूल अल्लाह क्या चीज वाजिब हुई? फरमाया ऐ मेरी उम्मत, तुम लोगों ने पहले बंदे के बारे में कहा अच्छा है, उसके लिए जन्नत वाजिब साबित हो गई, और दूसरे जनाजे के लिए तुमने उसकी बुराई बयान की, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। अगले बुखारी शरीफ के अल्फाज काबिले गौर है जो उन इमाम बुखारी ने नकल किए कि हजरत अनस कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजह ये है अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम उम्मत मुस्तफा जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, जो तुम्हारी बात इकट्ठी होगी वही हुज्जत बन जाए। उलमा ने फरमाया हजूर की उम्मत को शुहदा कहकर अल्लाह ने गोया इस उम्मत के इजमा को हुज्जत करार दे दी, हुज्जत बनाया कि ये शरी हुज्जत है। इसीलिए जिस बात पर पूरी उम्मत मुत्तफिक हो जाए वो दलील शरी है, हुज्जत शरिया है। इसी तरह अगर सारी उम्मत तवज्जो फरमाए, अगर सारी उम्मत शुहदा है और इनकी गवाही रब की बारगाह में कबूल है तो खुदा की कसम अकीदे की बात सुने, हम सारे गवाह हैं तो सहाबा इकराम के सदके हैं। हमें तो इस्लाम मिला तो सहाबा की मेहनत के सदके मिला, लिहाजा इस उम्मत के सबसे बड़े शुहदा और खुदा की बारगाह में क्रेडिट और इज्जत पाने वाली जमात का नाम है सहाबा इकराम। सहाबा इस उम्मत के पहले शुहदा है जिन्हें ये लकब थपता है और हक है। अरे सहाबा ही ने उन लोगों के बारे में इजहार किया तो मेरे आका ने फरमाया कि ये
जन्नती है ये दोस्ती है जो तुमने कह दिया। इससे सहाबाए किराम की अजमत पता चलती है कि इस उम्मत को शहादत का टाइटल मिला तो उसके पहले मुस्तहिक सहाबाए किराम। इसी तरह इस उम्मत को अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी सौंपी। डॉक्टर हामद बिल ग्रामी जैसे मुफक्किरीन और हुजूर सैयदी जियाउल उम्मत जैसे लोगों ने कहा शुहदा का एक माना ये है कि मुसलमानों का किरदार अखलाक अब कौमों के लिए नमूना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरबियत की और सहाबा किराम ऐसे कामल उम्मती बने हुजूर के कि सहाबा के वजूद के सदके 100 साल के अंदर इस्लाम इधर हमारे सिंध तक पहुंचा, उधर बलूचिस्तान तक पहुंचा, उधर चीन के किनारों और अफ्रीका के किनारों को छूने लगा। ये सब फैजान इस बात का था कि सहाबा के वजूद में लोगों को इस्लाम नजर आता था और सहाबा को देखकर लोग कहते थे जिस दीन के हामल ये हैं ये सच्चा है और सहाबा का लोग कलमा पढ़ लिया था। सहाबा इकराम इतने कामिल लोग थे, इतने कामिल इस्लाम के शाहिद थे कि उन्हें देखकर लोग कलमा पढ़ते। जब ईरानी फौजों को हजरत उमर के फौजियों ने परेशान किया तो रुस्तम ने लोग भेजे, उन्होंने कहा पता करो ये लोग कैसे हैं। खुदा रा मुसलमानों, आज इंटरनेट और मोबाइल इस्तेमाल करते हो, हकायक पढ़ा करो, तबरी पढ़ो, अल्लामा बलादरी को पढ़ो, दीगर किताबों को पढ़ो, फतोहुल बुल्दान पढ़ो। उसने आदमी भेजे पता करो ये लोग कैसे हैं, क्यों दुनिया पर गालिब आ रहे हैं। वापस जाने वालों ने रिपोर्ट दी, हम रहबानुम बिललैले वफरसानुम बिन्नहार, ऐ रुस्तम जब दिन का वक़्त आता है वो घोड़े की पीठ पर शाह सवार होते हैं और जब दुनिया सो जाती है वो अपनी अल्लाह की धरती पर शब जिंदादार। उनके दिनों से उनकी रातें रोशन। एक ईरानी जासूस ने ये जाकर रिपोर्ट दी, उसने कहा जब दिन होता है हर बंदा दूसरे से ज्यादा अपनी जान अल्लाह रसूल के नाम पर कुर्बान करने में मुखलिस है, और जब रात होती है ना तो रात की तन्हाइयों में मैं उनकी सिसकियां सुनता हूँ और रात के अंधेरों में रो रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहते हैं, या रब्बल आलमीन अगर दिन की हमारी फिदाकारियों और कुर्बानियों में कोई कमी रह गई है हमें मुआफ फरमा दे। यही वजह है, दिल थाम कर सुनिए कि रूमियों ने सफीर भेजा हजरत उमर की फौज में जिसका नाम था जॉर्ज, वो मुजाकरात करने आया लेकिन जब मुजाकरात करके वापस गया तो उसने रूमियों को बताया मैंने तुम्हारी बात मुकम्मल कर दी लेकिन अब मैं रूमी नहीं रहा, अब मैं मुहम्मदी हूं। उन्होंने कहा क्यों, उसने जवाब दिया मैं मुसलमानों के साथ करने मुजाकरात गया था लेकिन उनके हालात से ऐसा मुतासर हुआ हूं कि अब मेरा जमीर मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर रहा है। ये थे हमारे आबा अजदाद, उन्होंने अपने आप को इस्लाम का सैंपल बनाकर पेश किया, नमूना बनाकर पेश किया। अल्लाह की कसम जब तक इस उम्मत को ये एहसास रहा कि हम अल्लाह के गवाह हैं, उनका जाहिर और बातन एक था, इसी का नतीजा था कि उनके वजूद की बरकत से इस्लाम फैलता चला गया, उनके किरदार की बरकत से इस्लाम फैलता चला गया। दोस्ताने गिरामी कद्र, हजरत तशरीफ ला चुके, टाइम नहीं है, एक दो बातें करता हूं। मिस्र का एक शहर था शता, उसका एक मुअज्जज रईस मुसलमानों से मिलने आया और जब मिलकर गया तो अपने 2000 साथियों के समेत आकर मुसलमानों के कमांडर के हाथ पर कलमा पढ़ लिया।
इतना हमारे आबाव अजदाद का किरदार रोशन था, सदाकत, अमानत, दयानत, शराफ, हर बात। हजरत उमर के दौर में हिमस और दमिश्क फतह कर लिया गया, खालिद बिन वलीद और अबू बैदा बिन जर्रा उन्होंने फतह किया। उन्हीं दिनों रूमियों ने बड़ा लश्कर तैयार किया, अब मदीना से हुक्म आया उसका मुकाबला करो, हिमस और दमिश्क वगैरह खाली कर दो। मुसलमानों ने जो जिजिया लिया था ना उनसे कि हम तुम्हारी जान माल इज्जत की हिफाजत करेंगे, हजरत उमर ने फरमाया गिन गिन कर उनका जिजिया वापस करो। अबू उबैदा बिन जर्रा और खालिद बिन वलीद ने हमस और दमिश्क के लोगों का जिजिया वापस किया। हम क्यों वापस कर रहे हैं, हम जंग में मसरूफ हैं, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते, हम जिजिया लेने के रवादार नहीं। मेरे सामीन, अल्लाह की कसम, जब अबू उबैदा बिन जर्रा और खालिद बिन वलीद के सिपाही शहरों से निकल रहे थे, रूमी धाड़े मार कर रो रहे थे, ये थे तेरे मेरे आबाओ अजदाद जिनके किरदार ने लोगों की दिन की दुनिया बदल डाली। और आज हम क्या हैं, सोचे, बस यही बात मैं करने के लिए खड़ा हुआ, मैं अपनी तकरीर समेट रहा हूं। अगर इस्लाम आज पाकिस्तान में है, हमसे आगे भारत, चीन, रूस तक है, ये हमारे बुजुर्गों के किरदार का नतीजा था। खुदा रा आइए, अल्लाह रसूल पर ऐसा मुस्तहकम ईमान लाइए कि जिसके सदके लोगों को पता चले कि ये जिस दीन के नुमाइंदे हैं वो दीन सच्चा, वो दीन सच्चा है। हम हुजूर गौसे आजम का बहुत नाम लेते हैं, हजरत गौसे आजम रिवायती पीर नहीं थे, आलिम पीर थे। आप वाज़ो नसीहत करते थे, आपकी महफल में एक अजनबी आदमी आया, कहा हजरत मुझे इजाजत है मैं बात करूं, फरमाया करो। वो खड़ा हो गया, उसने कहा लोगों मेरा नाम है सनान इब्ने मालिक, मैं नस्बन मूरसन विरासतन मैं ईसाई हूं, लेकिन मैं कंपैरेटिवली मुकाबलतन मजहब पढ़ता रहा और मजहब पढ़ने के बाद मैं इस्लाम की सदाकत पर मुतमैन हो गया। मेरा जी चाहता है मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन जब मैं मुसलमानों का किरदार देखता हूं, मुआमलात देखता हूं, मैं कहता हूं मैं इनसे अच्छा इंसान हूं, क्योंकि उनके अंदर अखलाक की कमजोरी थी। बरादरान इस्लाम वह सनान कहने लगा, एक अरसा मेरा दिल मुसलमानों न चाहता था, लेकिन मुसलमानों का किरदार मेरे लिए रुकावट रहा। इतने भरे मजमे में मेरा आपसे सवाल है, कहीं मेरी जात इस्लाम के रास्ते में रुकावट तो नहीं, मेरा किरदार तो रुकावट नहीं, मेरा अखलाक तो रुकावट नहीं, आपका अखलाक तो कहीं इस्लाम के रास्ते में रुकावट नहीं। मगरब का एक मशहूर सहाफी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने कहा था अगर मैं इस्लाम की तालीमात देखूं मेरा दिल करता है मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन अगर मुसलमानों का किरदार देखूं तो मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। ये सवाल है हर जमीर दार मुसलमान पर, हर बाजमीर मुसलमान सोचे मेरा किरदार क्या है, मैं कहीं बदनामे जमाना तो नहीं। इकबाल ने हमारी कमजोरियों पर निशानदेही की, आज हम क्या हैं हमारे सामने। इकबाल ने कहा था दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, फिर इसमें अजब क्या है कि तू बेबाक नहीं है। आज अगर फलस्तीन पर तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं, आज अगर तेरी बच्चियों के आंचल और दुपट्टे चल रहे हैं कश्मीर में, वजह क्या है, दिल सोच से खाली है निगाह पाक नहीं है, तू और मैं सच्चे मुसलमान नहीं रहे, तू और मैं हजूर की उम्मत के वो लोग नहीं रहे
जिनका किरदार इस्लाम की सदाकत की गवाही था, इस्लाम की सदाकत की गवाही देता था। इकबाल ने कहा था, वजा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो नूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मैं नॉर्वे में था, अजीजम अल्लामा अहमद बिलाल शाह साहब कहने लगे, आओ आज हम दिखाएं हम अंडे कैसे खरीदते हैं, हम सब्जी कैसे खरीदते हैं, दूध कैसे लाते हैं। हम वहां गए, अंडे पड़े हैं, कोई बंदा नहीं, कोई वहां बंदा नहीं। हर खरीदार जाता है अंडों के 5 दर्जन ले, 10 ले, खुद ही वहां रकम डालकर आ जाता है, कोई वहां निगरानी करने वाला आदमी नहीं। मैंने आंखों से देखा, शाह साहब ने दूध डाला, दूध डालने के बाद कंप्यूटर पर या जो वहां था निजाम, उसने रकम जमा कर दी, वापस आ गया। ये है उनका किरदार कि उनके सामान बगैर आदमी के बिक रहे हैं और कोई गद्दारी नहीं करता, कोई धोखा नहीं करता। हमारे मामलात क्या हैं? क्या इसके बाद भी मेरा दिल दुखी ना हो? इकबाल ने कहा था, हर कोई मस्त मैं तन आसानी है, ये तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। किस जानब हम मुसलमान हैं, किस जानब हम अल्लाह के गवाह बनने के काबिल हैं? हमारी मस्जिदें आबाद हैं, मेरे मुआशे की कितनी आबादी नमाजी है, मेरे मुआशे के कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने कभी किसी से खयानत नहीं की? आज हम में से कोई कह सकता है? लेकिन नहीं, वो सनान बिन मालिक कहने लगा, मेरा जी चाहता था मैं मुसलमान हो जाऊं, लेकिन एक अरसा मैं मुसलमान नहीं हुआ, मुसलमानों के किरदार ने मुझे मुसलमान नहीं होने दिया। मेरा सवाल है, अगर हम भी लोगों के लिए इस्लाम के रास्ते में रुकावट हैं, आज तो ये हाल है कि उम्मती बाए से रुसवाई पैगंबर है। आज हम तो दाग बन कर रह गए इस्लाम के चेहरे पर। अमानत और दयानत सोचिए कहाँ है। सनान कहने लगा, मैं इसी कशमकश में था, मेरा मुकद्दर जागा, ख्वाब में मुझे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीदार, आपने मुझे ख्वाब में फरमाया, सनान तुम मुसलमान क्यों नहीं होते? मैं तुम्हें ईसा कहता हूँ मुसलमान। उन्होंने वही बात ख्वाब में हजरत ईसा के सामने की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ बगदाद में, एक बंदा अब्दुल कादर जीलानी है, उसे मिलोगे, तुम्हें इस्लाम का नमूना नजर आ जाएगा। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। अगर हाफिज कुरान हो, आलिम हो, फाजल हो, लेकिन पड़ोसी उसकी कबाहतों से तंग हो, पड़ोसी को वो चैन से रहने नहीं देता, बताओ उसको कुरान करीम पढ़ने का क्या फायदा है? आज हम कहाँ हैं? बस यही बात हमारे सामने है। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, खुदा रा अपने मकाम को देखें। अल्लाह ने हमें यहाँ भी गवाह बनाया, क़यामत का मुश्किल मंजर होगा, अल्लाह नबियों को बुलाकर फरमाएगा, नबियों बताओ हाल बल्लाघ तुम, क्या तुमने मेरा पैगाम पहुँचाया? अम्बिया कहेंगे हाँ या अल्लाह हमने पैगाम पहुँचाया। अल्लाह फरमाएगा आज का दिन अदल का दिन है, तराजू पूरा पूरा रखा जाएगा, नबियों तब भी गवाह लाओ तुमने मेरा पैगाम पहुंचा दिया। तो वो लोग
अम्बिया किसको पेश करेंगे? अल्लाह नबियों से पूछेगा कौन है जो तुम्हारे हक में गवाही दे? तुम्हारी उम्मतें तो कह रही हैं नूह ने पैगाम नहीं पहुंचाया, इब्राहिम ने पैगाम नहीं पहुंचाया, इन नबियों ने पैगाम नहीं पहुंचाया। अम्बिया बयक जबान बोलेंगे मालिक हमारे गवाह मोहम्मद व उम्मतो, हमारे गवाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और हजूर की उम्मत है। दोस्ताने गिरामी कदर बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर की उम्मत गवाही देगी, या अल्लाह हम गवाही देते हैं नबियों ने तेरा पैगाम पहुंचाया, हक अदा किया। पहली उम्मतें एतराज करेंगी, या अल्लाह ये हमारे दौर में नहीं थे, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे, इनकी गवाही हमारे हक में काबले कबूल कब है? तो दोस्तों वो क्या जवाब देंगे? ये उम्मत जवाब देगी, सिद्दीक अकबर जवाब देंगे, हैदर कर्रार जवाब देंगे, सहाबा ताबीन जवाब देंगे, इमामुल अइमा अबू हनीफा बोलेंगे, हमारे आका पर नेक लोग बोलेंगे या अल्लाह हम इसलिए गवाही दे रहे हैं तेरे आखिरी नबी ने हमें बताया, हम उनकी गवाही पर गवाही दे रहे। मेरे आका को बुलाया जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे ये लोग गवाही दे रहे हैं, तुम बताओ ये लोग कैसे हैं, तुम बताओ ये कैसे? हजूर हमारे गवाह बनेंगे, या अल्लाह ये ईमानदार भी हैं, मेरे उम्मती भी हैं और गवाही मेरे कहने के मुताबिक दे रहे। गोया हमारी सारी इज्जतें हजूर के सदके, आब रूए माजिना में मुस्तफा और दर्द दिले मुस्लिम मकाम में मुस्तफा, यहां से पता चला तू अल्लाह का गवाह है, लेकिन गवाह तब बनेगा जब मोहरामन का लाल लगाएगा। हजूर तेरे मेरे ईमान की तस्दीक करेंगे। ये जलसा खत्मे नबुव्वत, इसका एक मकसद ये है कि अपना दिल का रिश्ता प्यारे नबी से इतना जोड़ लो कि कल हजूर करम फरमाए फरमाए हाँ मेरा उम्मती है। इसी अकीदा की तर्जमानी एक मरतबा हुजूर जाल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जनेवा से वापसी पर उमरा करके आए, आपने हमें फरमाया मैं हाजिर हुआ मदीना तैयबा में, मेरे दिल में ख्याल आया आज मैं हजूर की बारगाह में क्या अर्ज करूं? तो आप फरमाते हैं मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहां भी हमारी तस्दीक करने वाले हैं, वहां भी हमारे तस्दीक करने वाले हैं, और मुवाजिया शरीफ के सामने खड़ा होकर आप फरमाते हैं मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मोहम्मद करम शाह बिन मोहम्मद शाह आपके सामने आज कलमा पढ़ रहा है और मेरा ईमान है मेरे नबी जिंदा है जावेद है सुन मेरे आका करम कीजिए अपने गुलाम करम शाह का ये ईमान आज भी कबूल कीजिए कल भी मोहर लगा दीजिए। आप और मैं जो कुछ हैं हजूर की निस्बत से है यही इत्तेदाल है कि हम अल्लाह को मानते हैं जो हजूर के जरिए, इसलिए मैज कर रहा हूं क्यामत में भी हमें अल्लाह इज्जत देगा। गवाह कौन होता है? जो ईमानदार होता है, जो दयानतदार होता है, जो बात का सच्चा वादे का पक्का और दिल का सुच्चा होता है। गोया अल्लाह ने तो तुम्हें बात का सच्चा बनाकर भेजा, वादे का पक्का बनाकर भेजा और दिल का सुच्चा निखरा हुआ मोमिन बनाया। तू अपनी बदामारियों से अगर अपना चेहरा मजरूह कर लेता है, इकबाल ने कहा था ऐ मुसलमान तू तो दुनिया के लिए आईना था, रहनुमाई था,
आज तू कहां जा रहा है? आज मेरा नौजवान यूरोप की तकलीर पसंद करता है, आज मेरी कौम यूरोप की गुलामी की जानब जा रही है। इकबाल कहता है, कौमें तो जिंदगी के रास्ते तुम्हें देकर मुतय्यन करती हैं। ऐ तमाशा गाए आलम रोए तो, और तू को जा बाहरे तमाशा में रवि, जहान तेरे चेहरे को देखकर जिंदगी के राज समझता था, आज तू गैरों का मोहताज हो गया। आइए बरादराने इस्लाम अपने मकाम को पहचाने, ये उम्मत इस जहान में भी गवाह वहां भी गवाह, अल्लाह ने जो हमें ये इज्जत दी है। अपने जमीर से आज रात नहीं, आज के बाद हम रोजाना पूछा करें, क्या क्यामत में मेरी गवाही भी कबूल होगी? क्या मैं इस काबिल हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में आऊं? अगर ये एहसास होगा तो यकीनन आप और मैं अपनी इस्लाह करेंगे। मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल समेट कर हजरत क़िबला कादरी साहब और आपके दरमियान और खत्म करना चाहता हूँ। तहरीके हैया अल फलाह का एक ही मकसद है कि आपको आईना दिखाया जाए कि आप क्या। मौलाना रूम ने एक हिकायत नकल की, लोगों ने शेर का बच्चा बचपन में पकड़ लिया और चरवाहा उसे अपनी बकरियों के साथ रखता, भेड़ों के साथ रखता। शेर बचपन से पकड़ा गया, शेर का बच्चा। एक दिन एक शेर ने देखा है शेर का बच्चा फिर भेड़ों में रहा है, फिर बकरियों में रहा है। उसने उसको पकड़ा, पकड़ कर कुएं पर उसको लटकाया और कहा, देखो भेड़ के बच्चे हो शेर के बच्चे हो। बस यही मेरी तकरीर है, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, हम अपना आईना देखा करें, अपना मकाम पहचाने। और आपका और मेरा मकाम क्या है कि हम गवाह हैं, अल्लाह ने हमें ये इज्जत बख्शी। आप ऐसी आप और मैं जिंदगी गुजारे जो हमारा मकाम है उसे समझें। बस मैं अपना पैगाम इन दो शेरों में देकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि तू नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए, तू नहीं है इस जहां में मुंह छुपाने के लिए, तू नमूना बन के आया है जमाने के लिए, और तू नहीं है वक्त गफलत में गवाने के लिए, तू है दुनिया भर को, तू है दुनिया भर के सोतों को जगाने के लिए। हुजूर सैयदी जियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा फजला बेरशीफ के अफाजिल का इजलास बुलाया, मुझे आज तक याद है। आपने फरमाया, गौर से इस बात को सुने, आपने फरमाया आले सुन्नत सो रहे हैं, अगर मेरे करम शाह के बस में हो तो मेरे दिल में जो दर्द है उसका तकाजा है कि मैं चाहता हूं मैं ऐसी दर्द मंदाना चीख मारूं कि हर सुन्नी जाग जाए। आज मुसलमान सो रहे हैं, फलस्तीन का वाकया क्या हमारे सोने की दिल्ली, कश्मीर के हालात। बस यही हुजूर जियाउल उम्मत की वो बात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यही एक चीख आपके सामने लगाना चाहते हैं, खुदा रा बेदार हूं, अपना मकाम पहचाने, अपना मकाम जाने। अल्लाह आपको शादाबाद रखे। मैं भी आप सारे लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार, और मेरी अजीजों की तहरीक हैया अल फलाह अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा के दोस्तों की जो टीम है वो मेरी इज्जत हैं, वो मेरा भरम है, वो मेरे लिए कुव्वत हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आपको और हमें अल्लाह सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल्लाह।